नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, एक टेक्सटाइल कंपनीज के बारे में, जिसकी चर्चा मैं पहले भी आपके सामने किया हुआ हूँ और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्या अभी इस कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ दे सकता है, क्या फ्यूचर में फिर से कंपनी रीबैक कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो चलो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। साथ ही साथ मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊंगा, जो कौन सा वो लेवल है जिस लेवल को मतलब कंपनी टच कर रहा है और कौन सा लेवल को तोड़ने के बाद कंपनी नया हाई बना सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कंपनी का नाम जो है वो आप देख सकते हैं, लक्स। लक्स यहाँ पे देखिए, इनर जो वायर्स होते हैं तो इसी का बिजनेस करते हैं। तो टोटली एक देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और कंपनी को छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, क्योंकि कंपनी एक बड़ा कंपनी भी है और इस फील्ड में कंपनी जिस सेक्टर में बिलोंग करते हैं उस सेक्टर में कंपनी नंबर वन कंपनी है, नंबर वन। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्राइब का, तो वहाँ पे जाकर हिट करना और बेल आइकन को भी हिट करके ऑल कर देना। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने टेलीग्राम का मतलब प्रॉफिटेबल कॉल का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अब एक बार आप ज्वाइन होकर देखिए, वहाँ पे आपको कॉल मिलेगा, उस कॉल को लेकर आप काम कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जाकर एक बार ज्वाइन होकर देखिए जरूर। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो कितने सारे कंपनी मतलब मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, कितने सारे कंट्रीज में? टोटल 46+ कंट्रीज में। तो मार्केट में लक्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लक्स एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप देख सकते हैं 60 ईयर इसका कंपनी का बिजनेस अभी चल चुके हैं। कंपनी का 2000+ करोड़ का टर्नओवर कंपनी कर चुके हैं, कोई छोटा मोटा टर्नओवर नहीं है, 2000 करोड़+। तो कंपनी का टोटली आप देखेंगे तो कंपनी का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय जो है वो 36,000+ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय क्या होते हैं, देखिए कंपनी खुद जो बिजनेस किस तरीके से फैला कर रखा, मुझे लक्स इंडस्ट्रीज का एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, मान के चलिए मैं एक आपको ब्लैंक पेज में लेकर समझा देता हूँ। तो चलो मान के चलिए एक लक्स ये जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी खुद का कुछ मतलब फैक्ट्रीज बना के रखा, कुछ मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ फैक्ट्रीज बना के रखा। तो मान के चलिए कंपनी का यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो कंपनी क्या किया, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज दे के रखा है। तो फ्रेंचाइजीज में बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, जो इसके साथ जुड़कर कंपनी प्रोडक्शन करते हैं और पूरा प्रोडक्शन कंपनी के घर में जाते हैं, और एक कंपनी के एक कॉस्टिंग बहुत सारा सेव हो जाता है, क्योंकि खुद का फैक्ट्रीज बनाना, खुद का एम्प्लॉयज रखना, मतलब उस एम्प्लॉयज को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और कंपनी दूसरे जो इसका जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज दे के रखा है, और साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे जगह पे कंपनी का प्रोडक्शन होता है, तो यही कंपनी का फायदा है, क्योंकि कम कॉस्ट में कंपनी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके लिए बहुत कॉस्टिंग कम आ जाता है, तो यही कंपनी की खासियत है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में और बात करूँ तो कंपनी का जितने सारे ब्रांड्स है, आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड्स है, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी करते हैं, और मतलब जितने सारे सिनेमा स्टार है, क्रिकेट प्लेयर्स है, वीरेंद्र कोहली को भी देख लीजिए, और भी बहुत सारे सिनेमा स्टार भी है, तो इसको इसके माध्यम से कंपनी ब्रांडिंग भी करते हैं, और इस ब्रांडिंग के माध्यम से कंपनी के एक एक्स्ट्रा मतलब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं कंपनी। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी का, देखिए यहाँ पे कंपनी ने सिनेमा स्टार को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग के लिए पैसा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट मतलब में अफोर्डेबल बिजनेस कंपनी करते हैं, मैं जरूर कहूँगा। तो अभी जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ वह है कंपनी का बिजनेस, तो आपको समझ में आ गया। तो अभी कंपनी क्या खास परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो तो आपको देखना चाहिए, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का फाइनेंशियली और फंडामेंटली डिटेल। तो कंपनी के फाइनेंशियली डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद का रेवेन्यूज बढ़ाते जा रहा है, ये एक कंपनी के लिए एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए 2018 में कंपनी करीबन करीबन 1000 करोड़ के आसपास, उसके बाद 1200 करोड़, 19 में 1600 करोड़, 20 में 17 सॉरी मतलब 2000 करोड़ के आसपास, 2021 में, 2022 में भी कंपनी करीबन 2200 करोड़ के आसपास, 2300 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू कमा चुके हैं।
तो सोचिए कंपनी का रेवेन्यूज जो ग्रोथ है बहुत शानदार ग्रोथ है, साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। तो मैं इस कंपनी को और बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन दे दूंगा जरूर आपको, क्योंकि जो कंपनी खराब सिचुएशन में मतलब लॉकडाउन पीरियड में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि चलो कंपनी ने लॉस किया, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी लगातार ग्रोथ करते जा रहा है लगातार। तो कंपनी का सेल्स कितना बढ़ चुका है आप सोचिए। देखिए दो तरीके से कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी का मार्जिन किस तरीके से बचता है वो भी मैं आपको सिखाया हूँ और वो भी बताया हूँ। साथ ही साथ कंपनी की जो ब्रांडिंग प्रमोशन है, मतलब वो बड़े बड़े सिनेमा स्टार क्रिकेट स्टार को देकर ब्रांडिंग कराता है, तो लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस आ जाता है कि इस तरीके से स्टार ने इसका प्रोडक्ट यूज किया है तो मतलब कंपनी जबरदस्त है। तो ऐसे सोचकर लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि लक्स का प्रोडक्ट खराब है, मैं खुद भी यूज करता हूँ तो इसलिए मुझे लक्स का प्रोडक्ट भी अच्छा लगता है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी का एक बिजनेस मतलब करने का एक तरीका बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, कंपनी डेप भी चुकता कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जब बढ़ता है कंपनी उस पैसे से खुद का पहले कर्जा मिटाएंगे और शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा जरूर लेंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो बहुत शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी है, और यहाँ पे देख सकते हैं BBPS में भी कंपनी का ग्रोथ बहुत शानदार देखने को मिला, बहुत तगड़ा। मुझे हर पैरामीटर इस कंपनी का पॉजिटिव दिखा। और प्रोमोटर के बारे में बात कर तो प्रोमोटर खुद यहाँ पे 74% होल्डिंग रखे हैं। प्रोमोटर खुद नहीं माल बेच रहा है, क्योंकि प्रोमोटर को खुद भरोसा है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी इतना तगड़ा कंपनी है। आप देखेंगे तो FIS के पास वो भी 2% होल्डिंग रखे हैं, DS के पास आप देखेंगे तो करीबन 6% होल्डिंग है, उसके बाद बाकी माल आपको पब्लिक के पास दिखेगा करीबन करीबन 17% के आसपास। तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे जो सारे चीज़ आपको देखने को मिला है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन देते हैं कंपनी के ऊपर। और एक चीज़ में यहाँ पे जरूर जरूर कहूँगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास कितना नंबर ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट वन है और टोटल होल्डिंग है 6.22%, और FIS और FPI इसके FII और FPI के पास करीबन 2.08% होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा, और वो भी टोटल नंबर्स कितने लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा, 50, मतलब 50 अलग अलग FIS ने इन्वेस्ट करके रखा है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपटीटर के हिसाब से बात करें तो कंपनी नंबर वन पोजिशन में है, क्योंकि लक्स इंडस्ट्रीज नंबर वन है, उसके बाद पेज इंडस्ट्रीज है, जिसका प्राइस खरीदने से पहले आपको तो दो बार सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि पेज इंडस्ट्रीज का प्राइस करीबन करीबन 48,000 49,000 50,000 के आसपास इसका प्राइस रेंज है एक शेयर की कीमत। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाएंगे कि चलो सर मैं इस कंपनी को शेयर खरीदने से अच्छा है तो मैं छोटा कंपनी पकड़ लूँ, जैसे ट्राइडन को पकड़ लूँ। तो देखिए ट्राइडन तो छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज एक अच्छा खासा कंपनी है। फिर भी इसका जो कंपटीटर है उसके हिसाब से पेज इंडिया नंबर वन कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 54,000 करोड़ है, और उसके बाद देखिए KPR मिल्स है वो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टाइडन भी इससे बड़ा है, 19,000 मार्केट कैप। लक्स इंडस्ट्रीज बहुत छोटा है, 5,200 करोड़ के आसपास। तो मैं जरूर कहूँगा लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि कंपनी में बहुत खासियत आपको देखने को मिला है और खासियत हमेशा देखने को मिलेगा अभी। और कंपनी के कुछ और भी चीज़ आपको दिखा दूँ, जैसे बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी का बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ अच्छा लगेगा, जैसे कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा। पहले भी देखिए कंपनी का जो कर्जा था, पहले जो कंपनी कर्जा लेके रखे थे 2018 में आप देखेंगे तो करीबन 5% का, 5 करोड़ का, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 13 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। छोटा मोटा कर्जा है, ऐसे बात नहीं कि बहुत बड़ा कर्जा है। कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए जो कर्जा है वो देखा जाए तो कंपनी 285 करोड़ का कर्जा लिया है। तो पहली बार तो कंपनी पिछले सालों में 80 करोड़ का कर्जा लेके रखा था, इस बार ज्यादा कर्जा ले लिया कंपनी बिजनेस को चलाने। देखिए कंपनी जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कॉस्टिंग आ जाता है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर देखने को मिलेगा। फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ा है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी हर तरीके से प्रॉफिट करते आया है। और कंपनी ने आपको ऐसे नहीं कि कंपनी सॉरी बैलेंस शीट यहाँ पे देखेंगे तो हर तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरी बात, कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, 3 साल में 20% तक और 5 साल में 7%। 1 साल को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 साल में कंपनी ने आपको प्रॉफिट के जगह लॉसेस दिया, और बिग लॉसेस है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे। देखिए कंपनी ने जो हाई किया था, यहाँ पे जो हाई किया था पहले जो प्रीवियस जो लॉक जब स्टार्ट हुआ कंपनी, तब जब इसका हाई था करीबन करीबन 4,140 के आसपास, उसी लेवल को टच किया कंपनी ने दो दो बार,
यहाँ पे एक बार टच किया और एक बार टच किया, मतलब ब्रेक करने का कोशिश किया मगर ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए लगातार गिरावट, और लगातार जो गिरावट हो रहा है मुझे लगता है और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि 200 डेज EMA को क्रॉस भी कर चुके हैं। साथ ही साथ मुझे जो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, आपको दिखा दूँ यहाँ पे वॉल्यूम, में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम कितना डाउन हो चुके हैं। जब वॉल्यूम डाउन होते हैं तब सोच लेना बायर जो है, मतलब जो बाय करना चाहते हैं वो बाय के लिए एग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब सेलर जो है वो एग्रेसिवली है उसको सेल करने के लिए। ये चीज आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। यहाँ पर रेड कैंडल हमेशा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग हो रहा है, बाइंग हर कैंडल में सेल बाई सेल सेम टू सेम होता है। अगर सेम टू सेम नहीं होगा तो बाई सेल कहाँ पे होगा, तो उसमें वॉल्यूम कहाँ पे होगा। तो आपको ये चीज नहीं देखना है, आपको देखना है कि वॉल्यूम कितना फ्लैट चल रहा है। तो वॉल्यूम जितना देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में था इसलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिला, यहाँ पे वॉल्यूम कितना पॉजिटिव में था इसलिए रॉकेट की तरह भागा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फ्लैट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इस लेवल में फ्लैट रहा क्योंकि मतलब बायर एग्रेसिव नहीं था, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। और उसके बाद देखिए लगातार सेल होता गया, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में और भी गिरावट होने का चांसेस है, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए और कुछ मतलब होल्डिंग पीरियड में रखिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में दम है तो आप इस कंपनी का फायदा उठा सकते हैं। इस कंपनी के एक अच्छा खासा डिस्काउंट में कंपनी माल दे रहा है, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।